ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में जान चली गई, इस पर ईरान में शोक की लहर उमड़ पड़ी है। तो वहीं कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। हालांकि अब तक ईरान ने आधिकारिक तौर पर इसे साजिश तो करार नहीं दिया है, लेकिन जांच का सेंटर प्वाइंट इस बात पर है कि राष्ट्रपति के काफिले के 3 हेलीकॉप्टर्स में से सिर्फ एक ही क्यों क्रैश हुआ। दरअसल बीते रविवार को रायसी अजरबैजान के साथ ईरान बॉर्डर पर एक डैम का उद्घाटन कर लौट रहे थे, जब उनका हेलीकॉप्टर उत्तर पश्चिमी ईरान के वरस्कान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ईरानी शासन ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले की जांच के लिए हाई रैंकिंग अधिकारियों की एक टीम बना दी है। ये जांच आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी ने एक हाई रैंकिंग प्रतिनिधि मंडल को सौंपी है। ब्रिगेडियर अली अब्दुल्लाही के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल को घटनास्थल पर भेजा गया है और जांच शुरू हो चुकी है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक मिशन पूरा होने पर जांच के नतीजे बाद में घोषित किए जाएंगे। वहीं ईरान में नए राष्ट्रपति का चुनाव 28 जून को होगा। इस बीच तुर्की के परिवहन मंत्री ने एक दावा कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी खामी या फिर सिग्नल सिस्टम के गायब होने के चलते ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। हमें पता चला है कि हेलीकॉप्टर में सिग्नलिंग सिस्टम शायद खराब था या उसमें सिग्नलिंग सिस्टम नहीं था, नहीं तो ये सिग्नल हम तक पहुंच गए होते, लेकिन वे नहीं पहुंचे। हालांकि उन्होंने अंदेशा जताया कि ऐसा हो सकता है, फिलहाल जांच जारी है। तुर्की ने हेलीकॉप्टर क्रैश की सूचना मिलते ही तुरंत दुर्घटना स्थल पर अकिंसी ड्रोन को तैनात कर दिया था। इसने उत्तर पश्चिमी ईरान में बेल 212 नाम के हेलीकॉप्टर के मलबे का पता लगाने में मदद की थी। बारिश और घने कोहरे के साथ मौसम की मार के बीच एक जंगली इलाके में उड़ान भरते समय रविवार दोपहर हेलीकॉप्टर रडार से गायब हो गया था। इस बीच अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने खुलासा किया है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी जब अजरबैजान के जंगलों में मौत से घिरे थे, तब ईरान ने अमेरिका से मदद की गुहार लगाई थी। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ज्यादा जानकारी नहीं देते हुए बस ये कहा कि ईरान ने अमेरिका से मदद मांगी थी, जिस पर अमेरिका ने भी इच्छा जताई थी, मगर अमेरिका ने बाद में उनके हेलीकॉप्टर को खोजने से इनकार कर दिया था। हालांकि अब अमेरिका ने मदद न देने के पीछे की वजह बताई है। अमेरिका ने कहा कि रायसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद ईरान की मदद कर पाने में वो लॉजिस्टिक्स कारणों से असमर्थ था। हालांकि रायसी की मौत पर अमेरिका ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी। मैथ्यू मिलर ने यह भी कहा कि आखिरकार ये ईरानी सरकार है जो खराब मौसम के बीच 45 साल पुराने हेलीकॉप्टर को उड़ाने के फैसले के लिए जिम्मेदार है। बताया जाता है कि ये दुर्घटना ऐसे समय हुई जब अमेरिका और ईरान ने कथित तौर पर ईरान और इसराइल के बीच खुली झड़पों के बाद स्थिरता बढ़ाने के मकसद से ओमान में शांति वार्ता आयोजित की थी। इस बीच अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी ने कहा कि ईरान के राष्ट्रपति एक ऐसी शख्सियत थे जिनके हाथ खून से सने थे। रायसी नृशंस दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार थे। दावा है कि बाइडेन प्रशासन ने ये टिप्पणी रायसी के साल 1988 में तेहरान के क्रूर हत्याकांड को लेकर की थी। वहीं अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि दुर्घटना में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि ये एक दुर्घटना के अलावा कुछ और था। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में दुर्घटना के बाद ईरानी सेना ने अपना रुख नहीं बदला है, जहां निर्णय आखिरकार सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की ओर से लिए जाते हैं।